हमारे सुखी ना रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अक्सर हम दुखी होने पर या तो किस्मत को कोसते हैं या फिर भगवान पर दोषारोपण करते हैं। हम स्वयं से कभी नहीं पूछते कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे जीवन में प्रसन्नता किन कारणों से नहीं है, क्या हम में ही कुछ कमी है या भगवान हमें दुख दे रहे हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, भगवान किसी के शत्रु नहीं है, वो सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। भगवान की अगर शत्रुता है तो वो है बुराई से, अधर्म से, अन्याय से, धर्म विरोधियों से। बाकी तो भगवान हमें वही लौटाते हैं जो हम करते हैं। हमारी अप्रसन्नता की सबसे बड़ी वजह क्या है, आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक विदेशी महिला अपने 3 साल के बेटे के साथ समुद्र के किनारे गई। वे दोनों माँ और बेटे समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र की लहरों के साथ मस्ती कर रहे थे। महिला बहुत ही शौक मिजाज थी। वो एक स्कर्ट पहने और सिर पर हैट लगाए अपने बच्चे के साथ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देख रही थी। वो अपने बेटे की बाह को मजबूती से पकड़े खड़ी थी। समुद्र की लहरें तेजी से आती और लौट जाती थी। वो महिला और बच्चा उन ऊंची ऊंची लहरों से अनजान थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि पानी की लहरें यहां तक भी पहुंच जाएंगी। वे अपनी मस्ती में खोए हुए थे, तभी समुद्र से एक बड़ी सी भयानक लहर उठती है और उनके ऊपर से होकर काफी दूर तक चली जाती है। लहर को देखकर महिला भयभीत हो चुकी थी। घबराहट में उसके हाथ से बच्चा छूट चुका था। लहर आई और वापस भी चली गई। महिला अपने स्थान पर खड़ी थी, पर उसके हाथ में बच्चा नहीं था। बच्चे को ना देखकर वो बेचैन हो उठी। शोक से व्याकुल वो मां बार बार अपने बच्चे का नाम लेकर चिल्ला रही थी, मानो उसका संसार छिन गया हो। दोस्तों, एक मां का मोह संतान से कितना गहरा होता है, ये तो आपने पशु पक्षियों को देखकर ही समझ लिया होगा। मां का संतान से लगाव अद्भुत होता है, जिसके प्रेम की फर कल्पना करना किसी के बस की बात नहीं है। वो महिला अपने बच्चे के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही थी। वो पानी में चारों तरफ उसे खोजने लगी। कहीं भी उसे बच्चे का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। अब वो समझ गई थी कि उसका बच्चा समुद्र में बह गया है। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं, हृदय बैठा जा रहा था। वो ऊपर को देखती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझ पर दया कीजिए, मेरे बच्चे को मुझे लौटा दीजिए, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी, मैं वचन देती हूं कि आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी, मैं अपने सास ससुर के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगी, आज से मैं दारू सिगरेट सारे व्यसनों को छोड़ दूंगी, मैं कभी अन्याय के रास्ते पर नहीं चलूंगी, बस मेरे बच्चे को आप लौटा दीजिए। दोस्तों, वो महिला बार बार ईश्वर से निवेदन कर रही थी। उसी समय फिर से एक पानी की ऊंची सी लहर उठती है और उसके ऊपर से होकर गुजरती है। कुछ देर बाद लहर जब वापस चली जाती है तो उसने पाया कि उसका बेटा उसके पास खड़ा है। बेटे को एकदम उसने अपनी छाती से चिपका लिया। वो बार बार उसका मुख चूमने लगी। बेटे को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु अगले ही पल वो फिर उदास होकर ऊपर को देखने लगी। ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए नहीं, बल्कि यह शिकायत करने के लिए कि आपने उसका बेटा तो लौटा दिया, लेकिन जो वो सिर पर टोप लगाए थी उसे आपने बहा लिया। उसके मन में कोई प्रसन्नता नहीं थी। वो ये सोचकर अप्रसन्न थी कि बेटा तो आ गया पर टोप छीन लिया। वो अप्रसन्न मुद्रा में अपने घर लौट आई। कहते हैं दोस्तों, मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। वो एक वस्तु को पाकर प्रसन्न होता है तो दूसरी को खोकर बड़ा दुखी होता है। उसे पूर्णतया संतोष कभी होता ही नहीं और उसके दुखी होने का यही एक सबसे बड़ा कारण है। हमारे अंदर असंतोष इतना ज्यादा है कि किसी भी समय प्रसन्नता आ भी जाए तो वो ज्यादा देर नहीं ठहरती। दूसरी किसी वस्तु को खोने का दुख हावी हो जाता है।
यही हम सबकी दशा है। परमात्मा हमें जो जो दे रहा है उसके लिए तो हम धन्यवाद नहीं देती, बल्कि किसी एक वस्तु के छीन लेने पर हम उससे शिकायत करने लगते हैं, उसे कोसने लगते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम उसी को देखते हैं जो हमने खो दिया है। हमारी ही खामियों की वजह से कुछ चीजें हमसे दूर हो गई और हम उन्हीं के खोने का गम अपने हृदय में बनाए रहते हैं। कभी किसी चीज को पाकर हम खुश नहीं होते, हम आभारी नहीं होते, भगवान को धन्यवाद नहीं देते, बल्कि खोने वाली वस्तुओं की शिकायतों से भरे रहते हैं। हमें लगता है कि हमने जो पाया है उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। हमने उसे अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी कला, अपने कौशल से पाया है, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते। और जब हम अपनी गलतियों से किसी चीज को खो देते हैं तब हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि आपने हमसे ये छीन लिया, आपने हमसे वो छीन लिया। पाने की खुशी कम, खोने का गम ज्यादा रहता है। असंतोष इतना है कि हम चाह कर भी प्रसन्न नहीं रह सकते। यही कारण है कि हमारा जीवन कुंठाओं से, चिंताओं से, निराशा से, हताशा से और अप्रसन्नता से भरा रहता है। जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम दुनिया में आए थे तो कुछ नहीं लाए थे, आज हमारे पास बहुत कुछ है और वो सब हमने यही पाया है, साथ कुछ नहीं लाए थे। लोगों को जब किसी बिजनेस में घाटा पड़ जाता है, कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो टूट कर बिखर जाते हैं। उस समय हम ये नहीं विचार करते कि अभी तो हम बहुत लाभ में हैं, शरीर पर एक कपड़ा भी रहेगा तब भी हम लाभ में ही रहेंगे, नुकसान में नहीं। हम वो एक कपड़ा लेकर नहीं आए थे, वो भी हमें यहीं से मिला है, फिर रोना किस बात का। तुम अकेले आए थे, आज तुम्हारे पास एक बड़ा सा परिवार है। तुम बिना धन के आए थे, आज तुम्हारे पास लाखों हैं, करोड़ों हैं। आप किसी वाहन पर नहीं आए थे, आज आपके पास वाहन भी है। नौकर चाकर, दोस्त, रिश्तेदार सब हमें यहीं प्राप्त हुए हैं, फिर रोना कैसा। किस बात का शोक मनाते हो, किस बात की चिंता में पड़े रहते हो। दोस्तों याद रखना, निराशा, हताशा आपके जीवन को खोखला बनाती है, आपको खुशियों से वंचित करती है। इसलिए किसी चीज के खोने पर निराश मत होइए, प्रयत्न से आप उसे फिर पा सकते हो। बल्कि ये सोचकर जीवन का एक एक लम्हा प्रसन्नता से जियो कि हे ईश्वर, आपने मुझे बहुत दिया है, जो मैंने खो दिया वो मेरी नादानी होगी, पर आपने जो हमें बहुत कुछ दे दिया है यही तो आपकी मेहरबानी है, यही तो आपकी कृपा है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय कमेंट में जरूर भेजना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।